अनीता भटनागर छे। हाँ नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता भटनागर छे, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, आपके समक्ष फिर से हाजिर। आप सभी युवा शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार। आप सबके मध्य पुनः आने के लिए मैं SCERT को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप सबसे संवाद करने का अवसर मुझे मिल रहा है। मैंने एक प्रशासक के अलावा जिंदगी में कुछ किताबें लिखी, कुछ कहानियाँ लिखी, करीब 50 के करीब कहानियाँ हैं और पुस्तकें हैं। मुख्यतः बाल साहित्य है और पर्यावरण पर कार्य किया। पर्यावरण पर मैं करीब 20 वर्षों से काम कर रही हूँ और आज का विषय पर्यावरण संरक्षण क्यों। आपको लगता होगा कि जब भी मैं विषय देती हूँ तो वो प्रश्न सूचक क्यों होता है। प्रश्न सूचक मुझे लगता है क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं तो हम उस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं और कुछ समाधान भी ढूंढने की चेष्टा करते हैं। तो फिर आप सबके मध्य, क्योंकि आप तो शिक्षक हैं, आपका प्रशिक्षण चल रहा है, कुछ का समाप्त होने वाला है, तो आप सबके समक्ष मैं पर्यावरण की परिभाषा नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं मानती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण में करीब करीब सब कुछ आ जाता है, चाहे हवा हो, पानी हो, भूमि हो, मृदा हो, जो कुछ भी है सब कुछ पर्यावरण ही है और इस पर्यावरण ही की खातिर हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगी। एक कहते हैं डे जीरो। अब डे जीरो का क्या अर्थ होता है? डे जीरो का अर्थ पानी के परिपेक्ष में यह होता है कि जबकि नलों में पानी आना बंद हो जाए। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस चीज को वाकई में जिंदगी में देखा। अभी करीब 2 साल पहले की बात है कि शिमला में गर्मियों के मौसम में पानी आना बंद हो गया। 1 सप्ताह तक नलों में पानी नहीं आया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जीवन कैसा हो गया होगा। अब गर्मी के मौसम में जाहिर बात है कि पर्यटक आते हैं और पूरे शिमला की अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर है। तो लोगों ने फेसबुक पर पोस्ट किया, पर्यटकों से कहा कि नहीं नहीं, आप अभी हमारे यहां मत आई। कुछ टेक्निकल ग्लिच लग रहा है, मैं इसका समाधान करने की कोशिश करती हूं। हेलो तनवीर, ये मेरे इस पे स्क्रीन पे आ रहा है कि वी आर हैविंग ट्रबल प्लेइंग दिस वीडियो, तो मैं क्या करूं, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करूं? चल रहा है? अच्छा, आप देख रहे हैं तो ठीक है, ओके, क्योंकि इस पे ये आ रहा था कि ये नहीं आ रहा। ओके, थैंक यू। ओके, तो व्यवधान के लिए खेद है क्योंकि मेरे स्क्रीन पर ये आने लगा कि ये वीडियो नहीं चल रहा है, तो मुझे लगा कि आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। तो शिमला की जो बात मैंने आपको बताई, तो कल्पना कीजिए कि सब लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ मत आओ, जो भी होटल हैं और पर्यटक स्थल हैं,
सब एक तरीके से बंद हो गए। इसी पर बल्कि मैंने एक कहानी लिखी, गरम पहाड़। वैसे पहाड़ तो हम ठंडे ही सोचते हैं, लेकिन गरम पहाड़। और इन्हीं दिनों आसपास जंगलों में आग लग गई शिमला की, और कहाँ से पानी उठाया गया उस आग को बुझाने के लिए, भीषण आग को। पंजाब से नदियों से जा करके पानी एयरप्लेन्स के मार्फत उठा करके बहुत प्रयास करके वो आग बुझाई गई। जब हम ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं तो मुझे तो बचपन की याद आ जाती है, छुक 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 छुक, ट्रेन में बैठने का मजा था। और उस पर तो बड़ा प्यारा गाना भी है, छुक छुक गाड़ी पर। लेकिन क्या हमने आपने कभी कल्पना की थी कि ट्रेन से कौन जाएगा? क्या ये सोचा था कि ट्रेन से हम पानी पहुंचाएंगे? तो चेन्नई में क्या हुआ, चेन्नई तक रेलगाड़ियों के जरिए रोज पानी ले जाया गया। और जब वहां पर विद्यालय खुले तो विद्यालय में बच्चों को कहा गया, क्योंकि मजबूरी थी, कि अपनी आवश्यकता के लिए वो पानी घर से साथ में लाए। एक शहर है बेंगलुरु, बहुत सुंदर शहर, और उसको तालाबों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन अब बेंगलुरु में वास्तव में कितने तालाब रह गए? और जब तालाब नहीं रह गए तो भूगर्भ जल बहुत नीचे गिर गया। और जैसे कि किसी ने बहुत पहले कहा था कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, तो विश्व युद्ध की बात तो अलग है, लेकिन जगह जगह ये दिखता है कि पानी एक बहुमूल्य संसाधन। जहां कहीं हम बात करें कि प्रदूषण की, तो विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 प्रदूषित शहर तो अपने देश में है। तो क्या इसका प्रभाव आप पर, मुझ पर, हम सब पर पड़ रहा है या पड़ेगा? हम सब उसी सांस में सांस ले रहे हैं, उसी हवा में सांस ले रहे हैं, तो क्या प्रदूषण का प्रभाव पड़ रहा है? कई देशों ने तो इतना तक किया कि जब जाड़े के मौसम में दिल्ली में इतना अधिक प्रदूषण था कि वहां पर सांस लेना मुश्किल हो रहा था, कि कई देशों ने अपनी एम्बेसी के लिए ये किया कि उनका दिल्ली में जो कार्यकाल है उसकी अवधि घटा दी गई, जिससे कि उनकी सेहत पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। तो वो तो चलिए कुछ समय के लिए रहे और चले गए, लेकिन जो लोग रहते हैं उनका क्या? वो तो कहीं और नहीं जा सकते ना, अपना घर छोड़ करके। और अभी इस कोरोना महामारी में, इस समस्या के समय में, प्रकृति ने हमें कुछ चीजें दिखाई। सहारनपुर से करीब 38 वर्ष बाद हिमालय की बर्फ से ढकी हुई श्रृंखला दिखी। मतलब सब भूल गए थे कि वो श्रृंखलाएं हैं वहां और दिख नहीं पाते। ऐसे ही दिल्ली में बहुत से लोगों ने ये कहा और फिर फेसबुक और अन्य जगह पोस्ट करी कि चटक नीला आसमान, कितना सुंदर आसमान दिख रहा है, कितनी बढ़िया हवा हो रही। लेकिन इस सब समस्या के लिए जिम्मेदार कौन? सोचने वाली बात है, कौन जिम्मेदार? क्या आपने ये ध्यान दिया कि आजकल बाढ़ आ रही है, और बाढ़ ऐसे क्षेत्रों में आ रही है जहां पर पहले कभी बाढ़ नहीं आती थी। यानी जलवायु परिवर्तन हो रहा है और काफी हद तक हो गया है। तो अगर जलवायु परिवर्तन हुआ है तो चक्रवात, तूफान, अब ये बार बार आते हैं। और जब तूफान आते हैं तो क्या है, इनके साथ तबाही भी आती है, जानमाल का नुकसान होता है। बहुत से लोगों को तो स्थायी रूप से बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो नई नई आपदाएं आ गई हैं। और अगर हम तापमान की बात करें तो क्या तापमान में भी अंतर हो रहा है? क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ तापमान बढ़ा है क्या? मैं आपको एक चित्र दिखाती हूं, क्योंकि यहां पर तो आपको चित्र ही दिखा सकती हूं। Why should we care? यानी हम क्यों चिंता करें? अब अगर आप देखें कि वैज्ञानिकों ने 1990 में एक अनुमान लगाया, और ये जो इधर वाला पृथ्वी का चित्र है इसमें विभिन्न तापमान दिखाए 1990 में, और जो इधर वाला चित्र है इसमें ये कल्पना की कि 100 वर्ष बाद
पृथ्वी पर तापमान कितना होगा। अब अगर इसमें आप ध्यान दें, हमारा भारतवर्ष जहां पर है, यहां पर, तो यहां पर लाल रंग से दिखाया है और उसका तापमान कितना अनुमान लगाया गया था 1990 में। ये अनुमान लगाया गया था कि यहां पर तापमान करीब 32 डिग्री होगा 2090 में। तो ये अनुमान सही है या गलत? ये सही भी है क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तेजी से, लेकिन गलत है क्योंकि जो अनुमान लगाया वो हम सब ने गलत कर दिया, क्योंकि मानव की जो गतिविधियां हैं उनसे जो सोचा गया था कि इतना तापमान 100 वर्ष बाद बढ़ेगा, उससे कहीं अधिक आज बढ़ चुका है। गर्मी के मौसम में तापमान हमारे यहाँ कितने तक जाता है? 44, 45, 46, 48, कहीं कहीं तो 50 डिग्री भी। तो अनुमान पूर्णतया गलत हो गया, लेकिन इस सबका प्रभाव किस पर पड़ना है और जिन पर पड़ना है क्या वो कुछ करेंगे? मेरा एक और प्रश्न, ये सुंदर सी पृथ्वी किसकी है? क्या ये मनुष्य की है? नहीं, ये केवल मनुष्य की नहीं है, ये जो सुंदर सी हमारी पृथ्वी है ये सभी की है। और इस सभी में कौन कौन शामिल है? इस सभी में पशु पक्षी, जीव जंतु, जीवित पौधे, बहुत सारी असंख्य प्रजातियां शामिल हैं और ये पृथ्वी उनकी है। लेकिन ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन से क्या उन पर प्रभाव पड़ रहा है? अब हम विश्व स्पैरो दिवस मनाते हैं। स्पैरो जो छोटी सी हमारी गौरैया होती है, बहुत ही सुंदर सी, वो छोटी सी चिड़िया विलुप्त होती जा रही है। तो अब आवश्यकता ये पड़ गई कि ध्यान केंद्रित करें और वन विभाग की तरफ से इसके संबंध में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि इस छोटी सी मुनिया सी गौरैया को हम जीवित रखें। अब आपने अक्सर देखा होगा कि कई शहरों में, कई कस्बों में बंदर आ जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में आ जाते हैं। फिर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके लिए अब जंगल बचे ही नहीं। अगर हमारी और आपकी आवासीय समस्या है, हमें भी तो घर चाहिए ना रहने के लिए, तो उनको भी तो घर चाहिए, उनके समक्ष भी आवासीय समस्या है कि वो रहें कहाँ। जब तालाब सूखते जा रहे हैं तो कहते हैं ना जल बिन मछली तो संभव ही नहीं। तो अगर तालाब सूखते जा रहे हैं तो मछलियां कहाँ रहेंगी? वो तो मर जाएंगी। और जो ये सब इतने बेहद स्तर पर, व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव क्या समुद्रों पर पड़ रहा है? समुद्रों का तापमान भी तेजी से बढ़ता जा रहा है और समुद्रों में भी एसिडिफिकेशन हो रहा है, यानी जो एसिड की मात्रा है उसका स्तर बढ़ता जा रहा है। और इस स्तर का क्या प्रभाव है? इस स्तर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जो मछलियों की प्रजातियां हैं ये कम होती जा रही हैं, हम उनका उपयोग भी अधिक मात्रा में कर रहे हैं। और ये भी एक अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक समुद्रों में बहुत ही कम मछलियां बचेंगी। तो जो लोग भी मछली खाते हैं, सोचिए खाने के संबंध में कुछ और विकल्प इंसान को ढूंढने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ हमारी संख्या तो तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है कि एक समाचार आया कि ग्रीनलैंड में, आप सभी ग्रीनलैंड जानते हैं, तो ग्रीनलैंड में एक बहुत पुरानी आइस शेल्फ जिसे कहते हैं, बहुत पुरानी बर्फ का बहुत ही बड़ा टुकड़ा हमेशा के लिए टूटकर समुद्र में मिल गया। अब आप सोचेंगे मैं ग्रीनलैंड की बात क्यों कर रही हूं, अरे भाई ग्रीनलैंड से हमें भारत में, उत्तर प्रदेश में क्या मतलब? लेकिन मतलब है, क्योंकि अगर वो पिघलेगा, जल का स्तर बढ़ेगा और उस जल के स्तर के बढ़ने से बहुत कुछ प्रभाव हम सबके जीवन पर आएगा। बहुत दिन पहले मुझे एक कॉन्फ्रेंस में एक महिला मिली, एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी और हम लोग साथ में खाना खाने गए और वो महिला मालदीव से थी। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही बात करते करते कहा कि मैडम ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है,
तो हमें लगता है कि हमारे देश से हम सबसे पहले क्लाइमेट रेफ्यूजी होंगे, यानी जलवायु परिवर्तन के कारण आपको अपना घर छोड़ करके कहीं जाना पड़ेगा। सोचिए, कल्पना करिए, अगर देश ऐसे रह जाए या गांव ऐसे रह जाए जहां पर कि ज़मीन ही नहीं रहेगी, जब ज़मीन ही नहीं रहेगी तो ना आपका घर होगा, ना आप खेती कर पाएंगे, ना कुछ और कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया कि पर्यावरण संरक्षण क्यों। जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी पर्यावरण की यात्रा करीब 20 वर्ष पहले प्रारंभ हुई, और मेरा सौभाग्य है कि मैं सबसे पहले नगर विकास विभाग में जब विशेष सचिव थी, तो यूपी की एक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट, उसको ड्राफ्ट करने का मुझे सुअवसर साथ में मिला जब मैं शासन में तैनात। उसके बाद में जिलाधिकारी कानपुर नगर तैनात हुई और वहां पर गंगा जी की जो हालत उस समय देखी, उसको देखकर दिल बहुत व्यथित हुआ, क्योंकि हमारी अपनी संस्कृति में हम लोग अपनी नदियों की पूजा करते हैं और गंगा जी तो सबसे अलग हैं, सबसे पवित्र मानी जाती हैं, बल्कि मृत्यु के क्षण दो बूंद गंगा जल कहा जाता है कि मुँह में डाल। तो इतनी पूजनीय गंगा जी की हालत बहुत ही खराब थी, तो वहां पर मैंने एक छोटा सा प्रयास शुरू करा। मैंने स्वयं वहाँ के घाट साफ करने शुरू किए, पर कुछ लोगों को लगा कि जिलाधिकारी होकर के आप कैसे घाट साफ कर सकते हैं, अभी कूड़ा कैसे उठा सकते हैं, क्यों, सब श्रम महत्वपूर्ण है। लेकिन आप सभी शिक्षकों को मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जिंदगी में जो सही चीज़ है उस सही चीज़ को करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो सही है, चाहे आपके कितने भी आलोचक हों या शायद आपको अकेले ही वो कार्य करना। तो फिर वहां पर मैंने बहुत सारे विद्यालयों के सहयोग से एक बाल पर्यावरण वाहिनी बनाई। बाल बच्चे, पर्यावरण तो स्पष्ट ही है, और वाहिनी यानी सेना। और सेना की जरूरत कब होती है? सेना की जरूरत तब होती है जब हमारा अपना वजूद खतरे में हो। तो ये जो बाल पर्यावरण वाहिनी थी, इसमें 1,00,000 बच्चे जुड़े हुए थे और हम सामान्य प्रकार की चीजें करते थे जो बच्चे स्वयं कर सकते थे और विद्यालय स्वयं कर सकते। नहीं तो प्रायः हम ये सोचते हैं कि इस सब का निदान कोई दूसरा ढूंढेगा, नगर निगम करेगा, शासन करेगा, सरकार करेगी, बड़ी बड़ी समितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो करेंगी। लेकिन इन बच्चों ने तो चमत्कार कर दिया। इसके संबंध में मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई, हमारी पृथ्वी हमारा घर, आवर अर्थ आवर होम। इस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग जो संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनेस्को एक संस्था है, उनके समक्ष 2009 में दिल्ली में हुई, और ये फिल्म मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये जो पर्यावरण की यात्रा प्रारंभ हुई उसका एक अंश मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, और मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि अब आपको ये फिल्म दिखाई जाएगी, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि फिल्म के बाद मैं फिर आपसे बात करने आऊँगी। तो हमारी पृथ्वी हमारा घर, इस बड़े से ब्रह्मांड में एक हमारी अपनी पृथ्वी तो है जिस पर जीवन संभव है और जिस पर हम, आप, पशु पक्षी, पौधे सभी जीवित हैं और जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो देखिए ये फिल्म हमारी पृथ्वी हमारा घर।